एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बनोली में स्थित मांगरोली गांव पड़ा। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान इमरान त्यागी हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 205 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 90 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 39 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 5 खटंजे, 2 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, तालाब की बाउंड्री, बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, हाई स्कूल, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व 4 खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। तहसील ब्लॉक ब्लॉक बिनोली जिला बागपत और जो मेरे गांव में विकास कार्य हुए 2 सीसी हुए, 5 खडंजे हुए और जो मेरी मांग है गांव में ज्यादा से ज्यादा है पैसे सरकार 112 शौचालय है बनवाए बनने और जी सरकार से हमारी मांग है जी शमशान की चार दीवारी, तालाब की चार दीवारी, पानी खराब है राज्य में और जी बड़ा घर नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, एक स्कूल है जी, पंचायत घर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूल जी जूनियर है जी, हाई स्कूल हो जाए जी, लड़की है मेरे गाँव में 50 अपने घर बैठी जी, गांव से बैठ गई थी, हो कोई नहीं भेजा जी, मैं विकास अधिक है पैसा कम है, हमारी सरकार से मांग है जी पैसा अधिक से अधिक भेजा जा, विकास कार्य जब भी हो सकता है मेरे यहाँ मांग जाते हैं जी, आप आकर देख सकते हो जी।